शक्ति हर कोशिश कर रही है तुझे यहाँ से बाहर करने की। हाँ, फिर से शुरू हो गई बेबे। कभी कभी नीति की बातों से ऐसा लगता है कि उसे सब याद है, खेल खेल रही है हमारे साथ। नीति की तरफ बढ़ते शक से क्या नया मोड़ लेगा संजू और परी का रिश्ता? नीति हर कोशिश कर रही है तुझे यहाँ से बाहर करने की। हाँ, फिर से शुरू हो गई बेबे। कभी कभी नीति की बातों से ऐसा लगता है कि उसे सब याद है, खेल खेल रही है हमारे साथ। नीति की तरफ बढ़ते शक से क्या नया मोड़ लेगा संजू और परी का रिश्ता? भाई, शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि ताई जी को लगता है कि शायद मैं नीति पर ऐसे ही शक कर रही थी और वो नीति को गले लगाती है और ताई जी नीति को सॉरी बोलती हैं। लेकिन नीति के मन ही मन में चल रहा है, कुछ भी कह लो ताई जी, लेकिन मैं अपना राजी तो वापस लेकर रहूंगी, अपने हक तो मैं वापस लेकर रहूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो राकेश है वो दलजीत को कहता है कि भाई जो नीति कर रही है ना, उसी में हम सबकी भलाई है और इसी में हम सबकी जीत है। तो कहीं ना कहीं राकेश को समझ आ गया है कि नीति ने ये बहुत बड़ा प्लान बनाया है और वो नीति का साथ देने वाले हैं। तीनों का मकसद सेम है कि भाई परी और राजीव को अलग करना, या फिर इनकी बदौलत मर भी जाए तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ यहाँ पर नीति को जो है सांत्वना देता हुआ राजीव दिखाई देता है और राजीव कहता है चलो मैं परी को बुला देता हूँ, तुम्हें अच्छा फील होगा। तो नीति यहाँ पर थोड़ी अलग सी बातें करती है, कहती है नहीं, आप भी हैं मेरे पास तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर जो है राजीव कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है, तुम ये क्या बोल रही हो। लेकिन नीति जो है इस बात को रफा दफा कर देती है, लेकिन राजीव को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। तो भाई ये नीति का प्लान ही चल रहा है, नीति की कोई याददाश्त गई नहीं है, अब यहाँ पर सब उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। खैर, कमेंट सेक्शन में अब आप अपनी राय बता सकते हैं, आपको क्या लगता है इस बार नीति का प्लान क्या है, और कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब।